हुकूमत को वार्निंग, कप्तान का अगला ऐलान। सहाफी इमरान रियाज खान ने खतरे की घंटी बजा दी। सहाफी इमरान रियाज खान के मुताबिक जो तसलसल बन गया है अब वो आगे बढ़ रहा है। इमरान खान ने अब नई स्ट्रेटेजी बनाई है, अब स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज हो चुका है जिसको संभालना मुश्किल तरीन होगा। लगता है इमरान खान अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ चुके। अब एहतजाज का सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सहाफी इमरान रियाज खान के मुताबिक हुकूमत के पास कहने के लिए कुछ नहीं, इन्हें सिर्फ अली अमीन गंडापुर के ना पहुँचने का दुख है। अली अमीन गंडापुर ने अटक का पुल भी क्रॉस किया और पंजाब भी आया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अपना बयानिया लेकर इस्लामाबाद से निकले, लेकिन इतने बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। सहाफी इमरान रियाज खान ने इंकशाफ किया कि पुलिस जिस बंदे को उठा रही है इस पर 9 मई के मुकदमा डालने की धमकियां दे रही है। पुलिस अब सहाफियों को भी अगवा कर रही है। पुलिस बुखलाहट का शिकार है, इसीलिए ऐसे काम कर रही है। सहाफी इमरान रियाज खान के मुताबिक इमरान खान अब इस हुकूमत को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते। उन्होंने अब बुध को एहतजाज का ऐलान किया है। ये मुल्तान, फैसलाबाद और मियांवाली में बैक वक्त एहतजाज करने जा रहे हैं। 3 मुख्तलिफ जगह जहाँ एहतजाज होगा वहाँ पुलिस कैसे हैंडल करेगी। इन्हें लग रहा था कि इमरान खान एक बार फिर एक शहर में एहतजाज का ऐलान करेंगे, लेकिन अब 3 एहतजाज एक साथ होंगे और हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा।